किसान भाइयों विश्वकर्मा दलप यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम पहुंचे हैं कोविटोर तमिलनाडु में और हमारे साथ गुरमीत सिंह जी हैं जो हमें दशमेश की 731 हार्वेस्टर के बारे में जानकारी देंगे, उनसे बात करवाते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर आपका। सर ये हम लोगों ने दशमेश 731 हार्वेस्टर नया मॉडल लॉन्च किया है। अभी इसका लॉन्च हमने कोयम्बटूर के एग्जीबिशन में ही किया है और हम लोग ने ये स्पेशल तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, कर्नाटक, आंध्रा ये एरिया के लिए लाइट वेट हार्वेस्टर बनाया है। इसका वेट 3600 केजी है। इसमें जैसे ये हमारे सेगमेंट में और भी बहुत लोग हार्वेस्टर बना रहे हैं, जैसे कुबोटा और कई तरह की यनमार वगैरह, वो उनका जो चलने का सिस्टम है सारा गियर बॉक्स के थ्रू है। हमारा ये हार्वेस्टर जो चल रहा है मूवमेंट है इसकी हाइड्रोलिक है। ये फर्स्ट टाइम हमने इंडिया में तो किसी ने नहीं बनाया है, वर्ल्ड में भी हमने ये हाइड्रोलिक सिस्टम में पहला सेम टाइप का हार्वेस्टर बनाया है। सर देंगे सर जानकारी इसका। सर इसके कटर के बारे में जानकारी देंगे पहले, इस कटर दिया गया है। इसका कटर बार के जो कटर बार के मेन जो इसमें हमने ज़्यादा सारा स्टील लगाया है, सारा नीचे का जो इसमें घिस जाता है जो नीचे का स्टील चादर जो है शीट मेटल है पूरा स्टील में किया है हमने कटर बार। इसका 6.5 फुट कटर बार है। ठीक है सर। और फीडर बॉक्स इसका जो नया डिज़ाइन है इस हिसाब से है। और इसके जो ऑगर दिया गया सर उसके ऊपर, इसका जो ऑगर है इसका ऑगर 360 डिग्री घूमता है। मान लो 360 डिग्री घूमता है, चारों तरफ घूमता है। जैसे मान लो अपने कटाई करते 9 पे उसमें फील्ड में पूरा पानी होता है तो क्या हो रहा है, अभी इसको अनलोड करना है तो ट्रॉली अंदर लेके आएंगे तो वो ठीक नहीं रहता है, ट्रॉली घुस जाता है। ट्रॉली बाहर खड़ा रहता है, हार्वेस्टर किनारे पे जाके इसको जहाँ मर्जी चारों तरफ कहीं भी इसको अनलोड कर ग्रेन को। ठीक है। और ये मेनली पैडी के लिए यूज़ होता है, ये ट्रैक हार्वेस्टर मेनली पैडी के लिए यूज़ हो रहा है। ठीक है। इसमें हमारा जो ये रगियाना का गियर बॉक्स है, मूवमेंट के लिए रगियाना का गियर बॉक्स है। इसमें जो 76 HP का अशोक लेलैंड का इंजन है। ठीक है सर। इसके सर पीछे एक लगा हो इसके में पीछे जो है ये जैसे इसका टेल है, इसको हम लोग ऐसे हाथ से भी उठा सकते हैं और इसमें कोई जैसे कुछ प्रॉब्लम है या कोई सेटिंग करनी है तो ऐसा इजीली सेट हो सकता है। और ये पूरा एक्सियल फ्लो है हार्वेस्टर। ठीक है सर। एक्सियल फ्लो है इसका, मतलब ब्रेकरेज का ब्रोकन दाना बिल्कुल भी ब्रोकन नहीं होता ये सिस्टम में, इसलिए हमने ये सिस्टम लगाया है। बाकी इसका जो ये टैंक है, ये इसमें ग्रेन टैंक काम कर रही है हमको कभी भी है तो ये ऐसे ओपन हो जाता है। जैसे ये इंजन है इसमें डस्ट वगैरह आती है तो इसको खोल साफ करना है तो ये इजीली हम लोग इसको क्लीन वगैरह कर सकते हैं। ठीक है सर। ये पूरा सिस्टम है, ये भी सारा खुल जाता है इस तरह, इसमें है सारा सिस्टम। सर अगर जो किसान भाई हमारे दर्शक देख रहे हैं उन्होंने आपकी जी मशीन लेनी हो तो कैसे और कहाँ से ले सकते हैं जी? सर ये हमारा पूरा थ्रू आउट, जैसे तमिलनाडु में भी हमारा डीलर है, नेटवर्क है, आंध्रा में भी डीलर नेटवर्क है, तेलंगाना में भी है, कर्नाटका में भी है, मतलब थ्रू आउट जितने स्टेट है हर जगह हमारे डीलर नेटवर्क स्ट्रांग है, हर जगह स्पेयर पार्ट्स अवेलेबिलिटी है। तो जिससे लोकल में उनको लेने से कोई भी कंप्लेंट आती है तो वो लोग लोकल में उसको ठीक करवा सकते हैं। ठीक है सर। और सर जो मेरे किसान भाई दर्शक देख रहे हैं आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर हम उनको ये मैसेज देना चाहेंगे कि जो हमने ये हार्वेस्टर बनाया है सबसे उत्तम तकनीक से बनाया है, इस तरह का ये सेगमेंट में हार्वेस्टर किसी ने नहीं बनाया है, हम लोगों ने फर्स्ट टाइम बनाया है। इसको टर्निंग करना आसान है, डबल लीवर हमने ही लगाया है, कोई लगा नहीं रहा है। टर्निंग करना बहुत आसान है, ड्राइविंग करना बिल्कुल ईजी है इसमें। ठीक है। सबसे मेन तो ड्राइविंग करना सबसे आसान बनाया है। गुरमीत सर आपका बहुत धन्यवाद, आपने हमें इतनी बड़ी जानकारी दी। दोस्तों अगर आप भी दशमेश की 731 हार्वेस्टर का मैं लेना चाहते हैं, लेने के बारे में सोच रहे हैं तो दशमेश इंडस्ट्री के नंबर हैं जो आपको वीडियो के नीचे मिल जाएंगे, आप इन नंबर पर बात करें इस मशीन को ले सकते हैं। दोस्तों ऐसी और वीडियो देखने के लिए विश्वकर्मा दलप यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।